मनी लॉन्ड्रिंग की आरोपित निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर 2 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए आईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई 2 जनवरी को निर्धारित की गई है। बता दें कि झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने पूजा सिंघल की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि भ्रष्ट आईएएस अधिकारी को जमानत देने का कोई आधार नहीं बनता है, इसलिए उनकी याचिका को खारिज किया जाता है। पूजा सिंघल को खूंटी में हुए मनरेगा घोटाला मामले में ईडी ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ईडी की छापेमारी में उनके सहयोगी सीए सुमन कुमार के यहां से 19 करोड़ बरामद हुए थे। पूजा सिंघल ने अपनी तबीयत खराब होने का हवाला देते हुए जमानत देने की गुहार लगाई थी। हाई कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सेल्फी दायर कर जमानत देने की मांग की है। मालूम हो कि पूजा सिंघल को प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम ने मनी लॉन्ड्रिंग और मनरेगा घोटाला मामले में 11 मई को गिरफ्तार किया था। इसके बाद वह जेल में बंद थी। 27 सितंबर को उन्हें सीने में दर्द की शिकायत के बाद होटवार जेल से रिम्स लाया गया। यहां पहले कार्डियोलॉजी विभाग में उन्हें एडमिट कराया गया और कई तरह की जांच कराई गई और उनके सारे रिपोर्ट सही निकले। इसके बाद माइग्रेन की उनकी शिकायत के चलते न्यूरोलॉजी विभाग में उन्हें एडमिट कराया। यहां की भी रिपोर्ट में कुछ गलत नहीं निकला। इसके बाद उन्हें डिस्चार्ज कर पुनः जेल भेज दिया गया। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।